So guys, welcome back to the operating system series of lectures. Today we are going to discuss about the dispatcher. हमने इसके पहले में कहीं ना कहीं scheduler के बारे में जाना था. Now यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं एक term और एक ऐसी responsible है जो कि dispatcher नाम से कहला जाता है. So let's start about the dispatcher, guys. Now here the dispatcher term. As we know, guys, the selection of the process among the various processes is done by the scheduler. Once the scheduler has selected the process from the queue, the dispatcher comes into the picture. And it is the dispatcher who takes that the process from the ready queue and move it to the running state. मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे पास, हमने देखा है कि हमारे पास एक क्यू अवेलेबल है. इस क्यू में मतलब क्या कि इस रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेसेस है, मान के चलो 1, 2, up to n. इसमें से किस प्रोसेस को पिकअप करवाना, दिस टास्क विल बी डन बाय द शेड्यूलर. जैसे ही शेड्यूलर इस प्रोसेस को पिकअप करता है और उसके बाद सीपीयू के पास सबमिट करता है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं डिस्पैचर का रोल हमारे पिक्चर में आता है. मतलब हमारे पिक्चर में डिस्पैचर आता है, जो कि यहाँ पर ये रेडी स्टेट में थे प्रोसेसेस. अभी रेडी स्टेट में ये सिलेक्शन करने के बाद कहाँ पे चली जाएंगी, रनिंग स्टेट में. तो जब तक वो प्रोसेस हमारे सीपीयू के पास है, तो वो सारा का सारा जो कंट्रोल, उसको हेल्प करने का जो प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं डिस्पैचर प्रोवाइड कर रहा है. मतलब मान के चले कि हमारे पास, हमने कहीं एखादे ट्रैवलिंग एजेंसी या कहीं भी हम जाने की कोशिश करें, तो हमारे पास कुछ पॉसिबल जो चीजें, प्रीलिक्विज़ चीजें जो है, उसने हमारे करवा के दी है. लेकिन आगे जाके हमें कहीं ना कहीं वो बाकी चीजें हमें करवानी करती है. जैसे ड्राइविंग लाइसेंस निकालनी, हम किसी एजेंट के पास चले गए, बाकी के काम हमने उसने पूरे के पूरे हमारे करवा दिए. लेकिन एट द एंड जब हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन जब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें खुद जाना पड़ता है. तो डिस्पैचर ये कैसा कहीं ना कहीं मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शेड्यूल के बाद पिक्चर में आता है. डिस्पैचर इज वन ऑफ द कंपोनेंट इन्वॉल्व इन द सीपीयू शेड्यूलिंग. मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग में कहीं ना कहीं एक आधा कंपोनेंट जो है वो डिस्पैचर कहला जाता है. A dispatcher is a special program which comes into play after the scheduler. जैसे कि हमने कहा था पहले, dispatcher is the module that gives the control of the CPU to the process selected by the scheduler. मतलब scheduler जो process select करता है CPU के पास जब देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक module जो है वो कि throughout journey जो उसकी होती है process की, उस समय पे ले उसके साथ जो रहता है वो module कौन सा है, वो dispatcher है. Dispatcher is a piece of code and that remains in the kernel. वो kernel के code में ही कहीं ना कहीं remain present होता है जब तक वो प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है. डिस्पैचर हेल्प्स टू सर्व द करंट प्रोसेस स्टेट एंड रीलोड, सो दैट द नेक्स्ट टाइम इट लोड्स एग्जैक्टली एट द सेम लोकेशन. जब कोई भी प्रोसेस एक समय पे अगर मान के चलो पॉज हुई, उसके बाद वो फिर से स्टार्ट होने वाली है, तो उसी पोजीशन से उसको रिलोड करने के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जो रिक्वायरमेंट थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे इस पर्पज के लिए भी कहीं ना कहीं हमारे पास ये हेल्प करता है. द डिस्पैचर नीड टू बी अ वेरी फास्ट एज पॉसिबल. मतलब ये फास्ट होना जरूरी है एज इट रन्स ऑन द एवरी कॉन्टेक्स्ट स्विच. मतलब हर बार जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होती है, जहाँ पे पीसीबी की वैल्यू सेव होती है, दूसरी पीसीबी की वैल्यू रिलोड होती है, उस समय पे कहीं ना कहीं डिस्पैचर हमारे पास यहाँ पर रोल प्ले करता है. देन इफ द टाइम्स कंज्यूम्ड बाय द डिस्पैचर इज नोन एज द डिस्पैच लेटेंसी. मतलब जितना समय वहाँ पर वो डिस्पैचर टाइम कंज्यूम करता है, उसको डिस्पैच लेटेंसी बोलते हैं. तो डिस्पैच लेटेंसी क्या है, द टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस. मतलब एक प्रोसेस को पॉज किया जाए और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द डिस्पैच लेटेंसी. Then there are some functions of the dispatcher, guys. There are three functions. Very first, the switching context or context switching. Second will be switching to the user mode. And third will be jumping to the proper location in the newly loaded program. So these are the three main functions of the dispatcher. So let's now talk about the difference between the dispatcher and scheduler. The very first difference over here, we can say the timing, at which time it appears. The dispatcher comes after scheduling. शेड्यूलिंग के बाद डिस्पैचर आता है. इट मीन्स व्हाट, इट नीड नॉट टू वेट फॉर द शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग के लिए डिस्पैचर को वेट करना जरूरी नहीं है. बट द शेड्यूलर, शेड्यूलिंग कम्स बिफोर द डिस्पैचर. द शेड्यूलर सबसे पहले आता है. देयर इज नो नीड टू वेट फॉर एनीवन. ओके, सो हियर सिलेक्शन होता है पहले किसके थ्रू, शेड्यूलर के थ्रू, जो कि डिस्पैचिंग के पहले स्टेप है. सेकंड विल बी डेफिनेशन. डिस्पैचर इज द मॉड्यूल दैट गिव्स द कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. ये डिस्पैचर जो है उसका अल्टरनेटिव नाम जो है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी कई अल्टरनेटिव चीजों में बोला गया है. इन टर्म्स ऑफ द शेड्यूलर, शेड्यूलर इज समटाइम विच सिलेक्ट द प्रोसेस अमॉन्ग द वेरियस प्रोसेस. जितने सारे हमारे पास प्रोसेस अवेलेबल है, जिसमें कुछ क्राइटेरिया लगा के वो प्रोसेस को सिलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, शेड्यूलर कर रहा है. देन देर आर टाइप्स. देर आर नो टाइप्स इन द डिस्पैचर. डिस्पैचर के कोई भी टाइप्स नहीं है. जस्ट अ पीस ऑफ कोड और पीस ऑफ सेगमेंट. बट इन टर्म्स ऑफ द शेड्यूलर, देर आर थ्री टाइप्स. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर,
शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द मीडियम टर्म शेड्यूलर, देयर आर थ्री टाइप्स. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जॉब क्यू में से रेडी क्यू में. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू में से सीपीयू के पास देता है. मतलब क्या, रेडी क्यू में से प्रोसेस को हम कहीं ना कहीं सीपीयू के पास देता है, और उसके बाद मिडिल टर्म जो है वो स्वैप आउट और स्वैप इन और स्वैप आउट के लिए कहीं ना कहीं काम करता है. यहाँ पर ये तीन टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, उसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया है. अल्गोरिदम्स, द डिस्पैचर हैज नो स्पेसिफिक अल्गोरिदम. यहाँ पे कोई भी डिस्पैचर का अल्गोरिदम नहीं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक मॉड्यूल है, एक सिस्टम कोड है जो कि कर्नल के इसमें प्रेजेंट होता है. ओके, ये कंट्रोल मॉड्यूल है जो कि सीपीयू के ऊपर जब प्रोसेस रन होते हैं उसको हेल्प करता है यहाँ पर. लेकिन शेड्यूलर के कुछ टाइप्स है गाइज, किसके, अल्गोरिदम्स के. जैसे यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस, इसके ऊपर शेड्यूलिंग डिपेंड है. मतलब क्या कि सीपीयू जब ये शेड्यूलर जब सिलेक्ट करेगा कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्राइटेरिया अप्लाई करना पड़ेगा. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हो गई, राउंड रॉबिन हो गया आरआर, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइप फर्स्ट हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया, मल्टी लेवल क्यू हो गया, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू हो गए. ये सारे टाइप्स हैं हमारे पास शेड्यूलिंग के. यहाँ पर ये शेड्यूलर इसके ऊपर वर्क करता है. देन द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बाय द डिस्पैचर इज कॉल्ड डिस्पैच लैटेंसी. जैसे हमने बोला था कि एक को स्टॉप करना और दूसरे को स्टार्ट करना डिस्पैच लैटेंसी है, लेकिन यहाँ पर कोई टाइम टेकन यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है. एंड द लास्ट फंक्शन, देयर आर थ्री फंक्शन एज वी हैव डिस्कस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्विचिंग टू द यूजर मोड एंड जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन व्हेन द प्रोसेस अगेन रिस्टार्टेड और मे बी लोडेड. दीज आर द थ्री फंक्शंस. बट हियर इन अ शेड्यूलर, द शेड्यूलर फंक्शन इज वॉट, ओनली सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ क्राइटेरिया फ्रॉम द क्यू is what the scheduler guides. So these are the few differences in between the dispatcher and the scheduler. I hope guys the dispatcher is clear to you. After the scheduler select any process from the ready queue to the CPU, the dispatcher comes into the pictures. So this is what the dispatcher role guys. I hope it is okay. Thank you so much for watching this video guys. Thank you so much.